राजपथ पर इस बार भी नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमाचल टीवी में। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। राजपथ पर इस बार भी नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। हिमाचल प्रदेश के लोग लगातार दूसरे साल भी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित होने वाली समारोह में देवभूमि की झलक नहीं देख पाएंगे। इस समारोह के लिए भेजा गया प्रदेश की झांकी का प्रस्ताव खारिज हो गया। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के मॉडलों को चुना है। प्रदेश की ओर से विकासात्मक योजनाओं को दर्शाती झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था। इस मॉडल को अब प्रदेश में आयोजित होने वाले समारोह में दर्शाया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सबसे पहले धामी गोलीकांड की झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था। आजादी का महोत्सव विषय पर आधारित इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर धामी में हुए गोलीकांड की विस्तृत जानकारी दी गई थी। कई अन्य राज्यों की ओर से भी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े प्रस्ताव भेजने पर हिमाचल का धामी गोलीकांड पहले चरण में ही बाहर हो गया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को विकासात्मक योजनाओं को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था। लिहाजा बागवानी, पर्यटन, बिजली परियोजनाओं और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के विकास को दर्शाता प्रस्ताव भेजा गया था। दूसरे चरण में प्रदेश का यह प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन अंतिम छटनी में इसे भी खारिज कर दिया गया। सरकार को इसकी मौखिक सूचना मिल गई है। राजपथ पर 2007 में लाहौल स्पीति, 2012 में किन्नौर, 2017 में चंबा की संस्कृति की झलक देखने को मिली थी। 2018 में लाहौल स्पीति की किह गोपा की झांकी दिखाई गई थी। वर्ष 2020 में कुल्लू दशहरा की झांकी को भी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शामिल किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।